दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के सीधी बात में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे पास अतिथि के रूप में हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी और मैथिली फिल्म एकेडमी के संयोजक एवं रंगकर्मी शशि मोहन भारद्वाज बैठे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। जिला प्रशासन की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम मिथिला लोक उत्सव, जिसको हम जिला स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको लेकर शहर में चर्चा जोरों पर है। इस बार भी पर्व लहरिया सराय के नेहरू स्टेडियम में 144वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर प्रशासन की ओर से जोर शोर से तैयारी भी की गई। लाखों रुपए खर्च कर कई दिग्गज कलाकार को इस कार्यक्रम के लिए बुलाए गए हैं। कई दिग्गज हस्तियां के साथ साथ राजनीतिक दल के दिग्गज भी इस कार्यक्रम में पहुँचते हैं। लोगों की भीड़ भी इस कार्यक्रम को देखने को मिलता है, लेकिन मुद्दा हर साल जो सामने आता है वो है स्थानीय कलाकारों के साथ उपेक्षा। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में सीधी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि 31 दिसंबर को जिला स्थापना दिवस के अवसर पर मिथिला लोक उत्सव का आरंभ किया जा रहा है कार्यक्रम का, जिसमें हमारी मिथिलांचल के प्रतिभा के अतिरिक्त बाहरी प्रतिभाओं को भी तरजीह दिया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम मिथिला लोक उत्सव आज उद्घाटन है, 29, 30, 31 मिथिला लोक उत्सव का कार्यक्रम है और 31 और 1 को जिला स्थापना दिवस है। तो सबसे पहले आपके व्यूअर्स को शुभकामना देते हैं आने वाला नव वर्ष का। साथ ही मिथिला लोक उत्सव में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भाषाई संरक्षण और संवर्धन के ख्याल से क्षेत्रीय उत्सव का आयोजन कई वर्षों से किया जा रहा है। दरभंगा में मिथिला लोक उत्सव, कोसी उत्सव कोसी क्षेत्र में, वैशाली में वैशाली उत्सव, राजगीर में राजगीर महोत्सव, क्षेत्रीय कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के ख्याल से लगातार वर्ष में एक बार होता आ रहा है। यहाँ भी तो जैसे कि आपने कहा कि मिथिला लोक उत्सव में बाहरी कलाकारों को स्थान दिया जा रहा है, तो कई वर्षों से इस तरह की व्यवस्था थी। इस वर्ष हम धन्यवाद देते हैं जिला प्रशासन को, आपने स्थानीय कलाकार मैथिल कलाकार को तरजीह दी है। आप देखे होंगे कि जो आमंत्रण पत्र है, एक तो मैथिली में छपी है, दूसरा मैथिली मैथिली में आमंत्रण पत्र नहीं छपा है। मिथिला की आमंत्रण पत्र मैथिली में नहीं छपा है विधायक जी, आमंत्रण पत्र हिंदी में छपा है। आमंत्रण पत्र हिंदी में छपा है जी, हिंदी में छपा है। हमारे पास आमंत्रण पत्र की कॉपी भी है जो हमारे कार्यालय में प्रशासन द्वारा भेजा गया है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं, हमको जैसे लगा जी। और मैथिली ठाकुर का फोटो हम देखे हैं कि उसको केंद्र बना के कार्ड पर छपाया गया जी। पूर्व में आपको अनुभव होगा कि रंगारंग कोई कलाकार जो होता है, बम्बैया कलाकार जी, जी, उसका फोकस किया जाता था कार्यक्रम पर जी। तो इस बार मैथिल कलाकार पर फोकस किया गया जी। निश्चित रूप से मैथिली के अलावा जी अन्य जो व्यूअर्स हैं जो कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो जिला प्रशासन का पूर्व का अनुभव था कि भीड़ जुटाने के ख्याल से जी उस तरह के कलाकार को बुलाया जाता था जी। तो पहले मेरा निश्चित रूप से आपत्ति था कि जो राशि इस उत्सव में खर्च हो रही है उसका अधिक हिस्सा बाहरी कलाकारों पर खर्च किया जाता था। इस बार स्थानीय कलाकारों पर अधिक राशि खर्च की गई है और आने वाला समय में पूर्ण रूप से मिथिला लोक उत्सव में मैथिली कलाकार कला संस्कृति सभ्यता पर ये कार्यक्रम केंद्रित होगी। सचमोहन जी लाइन पर है हमारे साथ। सचमोहन जी जी नमस्कार, आपका क्या कहना है? सबसे पहले हमारी एक बात होगी, क्या ये जो मिथिला लोक उत्सव है
अगर आप देखिएगा मिथिला लोक और उत्सव, मतलब मिथिला कला संस्कृति का उत्सव, यहाँ के लोगों के बीच में हमारी जो गाथाएं रही, लोक नृत्य रहे या गायकी रहा, उसके साथ पर्यटन को भी जोड़ना मेन मकसद होगा हमारे ख्याल से बिहार सरकार के इस कार्यक्रम का उद्देश्य, क्योंकि पर्यटन विभाग यह कार्यक्रम कराती है। और विधायक जी ने एक बात कही कि मैथिली में कार्ड, तो हमारे भी समक्ष यह कार्ड है, हमको कहीं से मैथिली में नहीं दिख रहा। और कलाकारों की अगर प्रस्तुति की बात है, बाहरी कलाकारों की, तो एक तो कहूँगा कि भाई कलाकार किसी भाषा में नहीं बंधते हैं, कि दूसरे भी भाषा में गाते हैं और यहाँ के भी गाते हैं दूसरे जगह पे जाके, लेकिन जो बड़े रकम की बात आती है हम बाहरी कलाकार को दे देते हैं, जिसमें हम और संख्या बढ़ा सकते थे इस कलाकारों में, कि जो सूची है उसको बढ़ा सकते थे, अधिक कलाकार हो सकते थे। अगर पुराने कलाकार हैं तो उनको हम प्रमोट करने की क्या, वो तो स्वयं ख्याति प्राप्त हैं, लेकिन नए जो कलाकार उभर रहे हैं उनको भी प्रमोट कर सकते थे। कहीं ना कहीं तीन चारवीं जो सवाल है उसको जोड़ करके यह कार्यक्रम हुआ होगा। लेकिन जब से इसका मतलब आरंभ हुआ, आरंभ के दिनों में एक चीज तो माना जा सकता है कि नागिन झा स्टेडियम में यह आयोजन आरंभ हुआ तो लोगों के बीच में हुआ, बाद के दौर में क्या कारण रहा कि उसको नेहरू स्टेडियम में ला करके रख दिया गया, जो कि हमको नहीं लगता कि एक तो लोक और उत्सव, मतलब लोक से भी दूर और उत्सव से भी दूर, मतलब एक कहा जाए कि यह एक कुछ लोगों के लिए उत्सव बन के रह गया है। जी जी, जो गलत कह रहा हूँ ना कि नेहरू स्टेडियम में उत्सव नहीं हुआ, नागेंद्र झा स्टेडियम में उत्सव हुआ, ये तो गलत कहना हुआ। उत्सव का मतलब जो वहाँ आप कार्यक्रम देखते थे, नेहरू स्टेडियम हो या पोलो मैदान वाला स्टेडियम हो, दोनों जगह उसी तरह का कार्यक्रम होता है। और जो भी लोक महत्व, मैथिली लोक महत्व का आयोजन होता है, उसका झांकी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए ये कहना कि लोक दूर हो गया, लोक जो मैथिली से प्रेम करता है, मिथिला से प्रेम करता है, कहीं भी कार्यक्रम होगा वहाँ लोग जाएंगे। और रही बात जो प्रख्यात विधायक जी, बाहरी कलाकार जैसे बम्बई से पहले कलाकार आते थे, इस बार भी का आमंत्रण पत्र में कुछ बम्बई के कलाकार, बॉलीवुड के कलाकारों का नाम है, तो क्या एक मोटी रकम जो हमारे बाहर के कलाकार ले जाते हैं, मिथिला लोक उत्सव में मिथिलांचल के ही कलाकारों की प्राथमिक भूमिकाएँ होनी चाहिए थी। मिथिलांचल के कलाकार प्रतिभा से धनी हैं, प्रतिभा से परिपूर्ण हैं, ऐसी क्या विकट परिस्थिति है कि मिथिला लोक उत्सव में हमारे मिथिलांचल के कलाकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसके बावजूद बाहर के कलाकारों को हम मिथिला लोक उत्सव में हिंदी गाना बजा करके लोगों का मनोरंजन करने का क्या उद्देश्य है? नहीं नहीं, मनोरंजन देखिए दो तरह का भटक रहे हैं विषय से, कि जो पहले शुरुआती में हम बता दिए थे कि पहले अधिकतर कलाकार मंच को सुशोभित करते थे बम्बैया कलाकार, कोई बैंड आता था, क्या क्या आता था, इस बार पुराना जो त्रुटि कहा जाए उसको सुधार किया गया और प्रख्यात कलाकार बाहर से लाने का जो परंपरा था उसमें कमी आई है। आपका कहना ये हुआ कि जो प्रख्यात है उनको तो सब जानते हैं, नए लोगों को सुविधा देना चाहिए था, मंच देना चाहिए था। कहना ये है मिथिला लोक उत्सव का शाब्दिक अर्थ मिथिलांचल की लोक पारंपरिक कलाओं से लोगों को अवगत कराना, इसका विकास करना, मेरा ये कहना। बिल्कुल, तो ऐसे में हिंदी बॉलीवुड के गानों से लोगों का मनोरंजन, इसमें ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मिथिला लोक उत्सव का शाब्दिक अर्थ मिथिलांचल की पारंपरिक लोक कलाओं से लोगों को अवगत कराना, यहाँ के कलाकारों का विकास करना, जो आगे क्षेत्र में अपना कोई प्रतिभा क्षेत्र में अपना विकास कर सके, कोई अपना कैरियर रूप में बना सके। मिथिला लोक उत्सव पूर्व का अनुभव आपको होगा, लगभग मिथिला का जो उत्सव है उसका प्रदर्शन, मिथिला का संगीत का प्रदर्शन, लोकगीत का प्रदर्शन, मिथिला का कवि को मंच, हर तरह का कार्यक्रम मैथिली उत्थान के लिए होता है। तीन दिन का कार्यक्रम है, तीनों दिन 90% समय मिथिला के कलाकार
मिथिला का गांव घर का दर्शन होगा आज पोलोक मैदान में। इसलिए ये कहना मिथिला लोक और मिथिला उत्सव दोनों मिलेगा आज। एक 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 बात है कि लोक उत्सव नाम है, और अगर कार्ड पे आप शुरू से अनिल जी देखेंगे तो सिर्फ सांगीतिक कार्यक्रम है। कहाँ है इसमें लोक गाथा, कहाँ है इसमें लोक नृत्य, कहाँ है इसमें झिझिया, कहाँ है इसमें डोमकच, कहाँ है इसमें अल्लाह रुदल, कहाँ है इसमें सलहेस, वो हमको दिखाया जाए कार्ड में। आप जो कल ना सुनिए, ये विषय पर बात आप कल कर लेते, मतलब 31 के बाद कर लेते, जो कलाकार हैं इसी सब चीजों का प्रदर्शन करेंगे। इसमें तो अधिकतर गायक ही हैं सर। प्रदर्शन से पहले शशि जी, प्रदर्शन से पहले सारी जो झिझिया की चर्चा कर रहा है और अन्य जो लोग हमारा मिथिला परंपरा की बात है, सारी चीज आज नजर आएंगे, आज कल परसों के कार्यक्रम पे। अगर कुछ कमी रहेगी तो उस पर 31 के बाद हम लोग चर्चा कर सकते हैं। शशि जी, आप देख रहे होंगे कि हम विधायक जी कि हमारे पास कार्ड की कॉपी भी है और इसमें उड़ीसा की कथक कला का फोटो दिया गया है। हमारे पास जो उपलब्ध आमंत्रण पत्र है उसमें उड़ीसा के कथक लोक कला जो वहाँ की सबसे प्रसिद्ध नृत्य कला है उसका फोटो दिया गया। देखिए यही तो इस संदर्भ में सर, यही ठीक है, कार्यक्रम सांस्कृतिक विरासत को आदान प्रदान करने के लिए होता है, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छा तब लगता कि यही कलाकार, क्योंकि हमारे स्थानीय कलाकार हैं, लेकिन यही कलाकार अगर झिझिया या झरनी या पमरिया के ड्रेस में गेटअप में रहते और यहाँ पे उनका पोस्टर रहता तो हमको लगता है कि यहाँ के जो ट्रेडिशनल कलाकार हैं उनका भी एक मनोबल बढ़ता और जो नए युवा हैं उनके मन में भी एक जिज्ञासा जगती कि ये हमारे पुराने लोक गाथा या लोक नृत्य या रंगमंच या नाटक है, लेकिन शो नहीं दिख रहा है। असल में क्या है कि आप जो ये कार्यक्रम पर बहुत 7 दिन पहले करते या 7 दिन जो आप पोस्टर लग गई है, जो बम्बैया कलाकार का फोकस करके पोस्टर लगा करता था, अब मैथिली कलाकार का फोकस करके पोस्टर लगा है, तो पहले में तो अब सुधार हुआ है, लेकिन उसमें और सुधार चाहिए कि अपना और जो क्षेत्रीय कार्यक्रम है उसको फोकस करके उस वेशभूषा में होना चाहिए, तो आगे आपकी बात पर प्रशासन विचार करेगी। विधायक जी का कहना है कि निश्चित रूप से पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और सुधार की आवश्यकता है, ये विधायक जी मानते हैं। देखिए विधायक जी से लोगों की उम्मीद इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि वो सीधे सरकार में हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। अगर यहाँ के रंगमंच की बात की जाए या कला संस्कृति की बात की जाए, कोई भी अगर कहा जाता है कि कोई भी गांव हो या कस्बा हो या शहर हो, उसका दिल होता है एक उसका रंगमंचीय व्यवस्था, लेकिन जिस जिले में जिले की बात हम कर रहे हैं वहाँ पे एक रंगकर्मियों के लिए हॉल ना हो और वहाँ पे उस तरह का प्रमोशन ना हो और इस तरह की बातें हो और उत्सव भी आवे, तो वहाँ पे इस तरह से घुसपैठ एक तरह से कहा जाए कि बाहरी कलाकारों का घुसपैठ हो, तो क्या कहेंगे किस तरह का विकास होगा, क्योंकि सर सदन में सवाल उठाते हैं, इसलिए उम्मीद लोगों की बंधी होती है। और इसलिए हमारा भी एक प्रश्न है कि भाई आखिर मिथिलांचल सिर्फ मिथिला लोक उत्सव कह लेने से अगर मिथिला लोक उत्सव हो जाता है तो कोई बात नहीं है, जो सर कहना चाह रहे हैं। नहीं, विधायक जी का कहना है शशि जी कि पहले से बाहरी कलाकारों की कमी हुई है और धीरे धीरे निश्चित रूप से यहाँ के लोग कलाकारों का प्राथमिकता दिया जाएगा और आगे से इसमें और सुधार किया, ऐसा उन्होंने कहा भी है। विधायक जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि यहाँ मधुबनी, मिथिला पेंटिंग, सिक्की आर्ट, टेराकोटा, बिंदी आर्ट, पेपर मेसी, सिल्क, ऐसे बहुत सारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए भी कई वस्तुएँ हैं जिस पर सरकार ने अभी तक कई योजनाओं का आह्वान तो किया है, घोषणाएं की है, परंतु इस कलाकारों की अभी तक बाजार की व्यवस्था नहीं हो पाई है जहां वो अपना उत्पाद को बेच सके। मिथिला पेंटिंग को बाजार मिले इसके लिए देखते होंगे पटना में जो सरस मेला हो या दिल्ली में उद्योग मेला हो, वहां काउंटर देखते होंगे, और मिथिला पेंटिंग आप देश में ही नहीं विदेश में भी चर्चा का है, तो वहाँ भी लोग भेजा करते हैं, तो मिथिला लोग मिथिला पेंटिंग जो है
उसका बड़ा बाजार हुआ है और उसके लिए सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार भी हो रहा है, कलाकार भी काफ़ी उत्साहित है, इसलिए सरकार के द्वारा जन जागृति की भी जरूरी है कि हम लोग मिथिला पेंटिंग को अधिक से अधिक अपने यहाँ भी उपयोग करें और सरकार जो भी मंच दे रहा है उस पेंटिंग को बेचने और कलाकार को बढ़ावा देने में उसको सहयोग करें। विधायक जी, वर्ष में एक बार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सरस मेला का आयोजन किया जाता है बिहार, वो भी पटना में, क्या यह जरूरी नहीं है कि दरभंगा या मधुबनी में एक अस्थायी हाट बना दिया जाए जहां यहां के स्थानीय कलाकारों को एक बाजार मिल सके? बिहार में इस हस्तशिल्प और हैंडीक्राफ्ट की और हैंडलूम की कोई ऐसी बाजार नहीं, अस्थायी बाजार। देखिए, खादी भंडार उद्योग के द्वारा हैंडलूम उत्पाद बेचा जाता है और लोग में पिछले कुछ दिन सालों में खादी के प्रति हैंडलूम के प्रति उत्साह बढ़ा है, उसका बिक्री बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी आप देखे थे दिल्ली में, खादी का प्रचार प्रसार के लिए खुद आह्वान किए थे और एकाएक बिक्री भी बढ़ी थी। आधुनिक युग के युवा युवती भी खादी का उपयोग, हैंडलूम का उपयोग करने लगे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं है, मार्केट बढ़ रहा है और तेज बढ़ाने की जरूरत है। शशि जी, एक सवाल जहन में आता है अनिल जी इस पर कि अगर हम बात करते हैं सिक्की मुनी, बहुत सारे हमारे पास जो चित्रकारी हैं, जब से एक हाट बनाने की तो ज़रूरत है क्योंकि हम पर्यटन को ना मिथिलांचल की बात आती है या इस क्षेत्र की बात आती है तो बाढ़ प्रभावित इलाका है, कोई उद्योग धंधा लग नहीं सकता, जो विधायक जी भी समझते हैं, लेकिन बातें आती है, लेकिन उसमें भी अगर कलाकारी का उद्योग यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से लग सकता है, अगर ज़रूरत है प्रमोट करने की, अगर सही तरीके से प्रमोट हो तो मिथिला पेंटिंग तो हमारा विश्व भर में अपना नाम कमा रहा है, लेकिन सिक्की मुनी अन्य जो है टेराकोटा यहाँ पे दरभंगा जैसे छोटे कस्बाई इलाके में आपके उसके कलाकार हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार प्राप्त करके बैठे हुए हैं, तो उसको भी मतलब हमारा कहना ये है कि ठीक है एक विधा पर नहीं, जो हमारी कला संस्कृति है उसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हुए उसे प्रमोट करने की आवश्यकता है, जिससे कि पर्यटन भी बढ़े और यहाँ जो लोग हैं उससे जुड़े हुए और उनके अलावे उनका भी रोजगार का साधन बढ़े। जी, और एक बात और है, खादी की भी बात सर ने कही, आज दरभंगा से लेकर के मधुबनी तक इसका गढ़ माना जाता है, लेकिन आज देखिए बहुत सारे हाथ रुके हुए हैं। आज हम आंध्रा का खादी पहनते हैं, यहाँ पे दूसरे राज्यों से आया हुआ खादी पहनते हैं। अब खादी ग्राम उद्योग का जो आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो शोरूम है उसमें जा कर के देखें कि कहाँ से माल आ रहा है। जी विधायक जी, पहला तो सबसे पहला, कला किसी सरकार का गुलाम नहीं होता है जी, कला को कोई दबा नहीं सकता है, कलाकार जिसमें कला है वो अपने आप ऊँचा मुकाम पाता है, सरकार प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन के लिए सरकार का कई योजनाएं चलती है और उसका लाभ कलाकार को मिलना चाहिए, मिले ऐसा मेरा प्रयास होगा, हम इसका समर्थन करते हैं। और रही बात खादी बाहर से आ रही है, स्थानीय खादी का बिक्री, तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में हम पीछे छूट रहे हैं। जो मधुबनी खादी नामी था, यहाँ से दिल्ली जाया करता था, दिल्ली लोग मधुबनी खादी के पहन के लगता था कि कोई खादी पहने हैं, आज हम लोग भी बाहरी खादी उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं या तो खादी बुनकर कम हो गए, इस धंधा में रुचि कम ले रहा है, या उस तरह का कपड़ा तैयार नहीं हो रहा है। कारण समझने का है कि किस स्तर पर कमी हो रही है। आज ये भी नहीं आप कह सकते हैं कि बिहार में बिजली नहीं है, गांव के अंदर 18 घंटा 20 घंटा बिजली है, शहर के अंदर 24 घंटा बिजली है, आखिर बुनकर को किस स्तर पर परेशानी है? सरकार बुनकर के लिए जो सब्सिडी देती है उस स्तर पर है, क्या विषय है ये परिचर्चा का विषय अलग से हो सकता है, उसके उत्थान के लिए कोई सुझाव हो तो आप हमें दे सकते हैं, हम भी अपने स्तर से
किस कारण से मधुबनी खादी पीछा रहा है उस खोज की। लेकिन सर यहाँ पे एक सवाल ये भी है ना, खादी तो ठीक है वो हमारा रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन बात मिथिला लोक उत्सव की थी और हम फिर वहीं आएंगे कि मिथिला लोक उत्सव में आखिर कलाकारों की जो सूचियां बनती है उसमें फिर आपको भी हमने देखा कि आरंभ जब हुआ था तो आपको भी आवाज़ बुलंद करना पड़ा, तो आखिर ऐसा क्यों नौ बताया जाती है कि जनप्रतिनिधि को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है और जो वहाँ पर आला अधिकारी हैं उनको भी जब सूची बनाते हैं तो कम से कम इतना तो ध्यान देना चाहिए, और अगर हम बाहरी कलाकारों को ही बुलाते हैं तो क्यों ना जो इस क्षेत्र के लोग हैं जो बाहर नाम कमा रहे हैं उनको हम बुला करके मौका दें, उनको राशि दें। निश्चित जी, फिर एक ही बात पर हम लोग चले आते हैं कि मिथिला लोक उत्सव का आयोजन एक्सपर्ट का टीम कलाकार का चयन करता है और वही एक्सपर्ट का है कि सब लोग ताकि मिथिला के लोक गायक लोक गायन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कलाकार, तो उसमें भी स्तर ग्रेडिंग है, उस ग्रेड को जो श्रोता पसंद करता है और उसको एक्सपर्ट ही चयन कर पाता, सबको मंच नहीं मिल सकता, श्रोता जो ख्याति प्राप्त मैथिल गायक है उसको सुनने के लिए जाता है, तो कार्यक्रम में भी प्रभावशाली कार्यक्रम हो, जैसे आप बता रहे थे लोक गायक, तो लोग अगर नहीं आएंगे इसका भी ख्याल रखा जाता है, और जो एक्सपर्ट की टीम है जिला प्रशासन उनके द्वारा कार्यक्रम के आयोजन में किनको मंच मिले, किस दिन मिले, किस टाइप का मंच मिले, कौन सा कलाकार क्या चीज़ का प्रस्तुति करेगा, एक्सपर्ट तय करते हैं, इसमें जनप्रतिनिधि का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जब आप पहला दिन अखबार में पढ़े होंगे कि देश विदेश के ख्याति प्राप्त कलाकार आएंगे, तो मेरा थोड़ा सा उस पर आपत्ति ये था कि मिथिला के ख्याति प्राप्त कलाकार को मंच पर जगह मिलना चाहिए, जो आज दिख भी रहा है कि उस आपत्ति में मेरा सुझाव था कि अगर ऐसा करते हैं तो मिथिला लोक उत्सव का जो कार्यक्रम का मूल स्वरूप है वो बदला रहेगा, अगर पूर्व के तरह परिवर्तित स्वरूप देंगे हम बाहरी कलाकार को महत्व देंगे तो कहीं ना कहीं ये रंगारंग कार्यक्रम बन के रह जाएगा, इसलिए पूर्ण रूप से आज की मिथिला लोक उत्सव जो देखेंगे लगेगा कि मिथिला लोक उत्सव हो रहा है और इसमें कुछ कमी भी रहा है, तो हम लोग सहयोग करके उसे आगे ठीक करेंगे। विधायक जी, ये आमंत्रण कार्ड पर उड़ीसा के कथक नृत्य का फोटो को फोकस करना ये मेरी समझ से बाहर नहीं लग रही है, आप बताइए मैथिल नृत्य कौन सा है जी? उड़ीसा कथक नृत्य मैथिल नृत्य कौन सा है, कोई है आपके दिमाग में? तो मिथिला के कलाकार जो कथक नृत्य प्रस्तुति करेंगे उसका फोटो है, उस पर उड़ीसा का कथक नृत्य कहना उचित नहीं है। नहीं तो हमारे कलाकार यहाँ भी नाट्य मंच यहाँ भी नाट्य कलाकार है, यहाँ भी नाटक सिखाते हैं, तो विभिन्न स्वरूपों को अगर यहाँ के कलाकार अब यहाँ प्रदर्शित करेंगे तो सर आप ही कह रहे हैं कि मतलब स्थानीयता को प्राथमिकता, मिथिला के कल्चर को प्राथमिकता, तो अगर इसमें झिझिया का दृश्य होता तो कितना अच्छा होता, आप भी निश्चित है इसमें आपको निश्चित हम तो कई बार तो देते तस्वीर हैं। की जो जो बैनर पोस्टर की बात हो रही है सर, तो उसकी बात हो रही है कि उसमें कहाँ झिझिया दिखता है? नहीं बैनर पोस्टर देखिए, पहले भी सचिन जी बताए कि पहले मुंबई के ऑर्केस्ट्रा और बैंड का चर्चा होता था, अब मैथिली ठाकुर का केंद्र बना के पोस्टर छपा है, तो एक दिन में आप चाहते हैं कि सब कुछ दिखा दिया जाए, ये कहाँ से उचित है? आज मैथिली ठाकुर दिख रही है, पूरा मिथिला दिख रहा नहीं, एक दिन में तो नहीं बदलना संभव है, लेकिन धीरे धीरे इसको बदला जा सकता है। पोस्टर का अलग अलग स्वरूप हो सकता है ये बोल सकते हैं, लेकिन आज का पोस्टर तो निश्चित रूप से मिथिला को केंद्र बना के दिया गया है, जिसका स्वागत करना चाहिए। विधायक जी, मेरे हाथ में कार्ड है, दिनांक 1 जनवरी को समाहरणालय परिसर में 5:30 बजे अपराह्न में कैंडल प्रज्वलन। दोनों चीज को एक साथ दोनों को मिला रहा है, मिथिला उत्सव और स्थापना दिवस, दो चीज है, दोनों दो चीज है, दो चीज है, वैसा परंपरा है, कैंडल जलाने का परंपरा हाथ से नहीं,
हमारे ख्याल से अनिल जी का यहाँ होगा कि दीप प्रज्वलन भी हो सकता था, कैंडल प्रज्वलन को दिया गया। जी सर, आप बात को गुमराह नहीं कीजिए, देखो विषय को गंभीरता बदल जाता, गंभीर विषय को गंभीर रहने जी नहीं नहीं कैंडल का जलाने का प्रथा जो है आज से नहीं, दरभंगा के स्थापना काल से है। निश्चित है दीप जलना चाहिए, कार्यक्रम में दीप भी जलेगा, दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुरुआत होगा। सर, यहाँ मधुबनी में कई सारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त, जैसे कि पद्मश्री, मधुबनी पेंटिंग में कई पद्मश्री प्राप्त हैं, कई राष्ट्रपति पुरस्कार हैं। अपने दरभंगा से भी आशा देवी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सरकार की ओर से आपके नज़र में क्या कोई ऐसा योजना होना चाहिए जो यहाँ के स्थानीय लोक पारंपरिक कलाओं का विकास हो सके, वह उसको अपने कैरियर के रूप में ले सके? अगर कोई स्पेसिफिक विषय कहना चाहते हैं आप तो बताइए। मिथिला का लोग अभी मिथिला पेंटिंग का जो स्थान है सो आपको मालूम है, और मधुबनी के अंदर भी मिथिला लोक उत्सव टाइप का कोई स्थानीय कार्यक्रम साल में एक बार होता है। सर, मधुबनी पेंटिंग का एक हस्तशिल्प और हैंडलूम का बहुत बड़ा मार्केट दिल्ली में है, दिल्ली हाट शायद आप जानते भी होंगे, वस्त्र मंत्रालय द्वारा पंजीकृत कलाकारों को वहाँ दुकान आवंटित किया जाता है, पर दिल्ली पर्यटन विभाग का वो जगह है और नगर निगम उसको, नगर निगम का जगह है दिल्ली एनडीएमसी का, और उसको पर्यटन विभाग दिल्ली टूरिज्म उसको मेंटेन करता है। मगर हमारे बिहार में इतने सारे महत्वपूर्ण कला के होते हुए भी यहाँ कोई बाजार की व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा यह फोकस है कि यहाँ पर बाजार की व्यवस्था नहीं है। सुनिए ना, पटना में जाइएगा कोई भी ऐसा दुकान नहीं है जहाँ मिथिला पेंटिंग आधारित सामान नहीं मिलेगा। मौर्य लोक में जाइए या अन्य खादी का दुकान में जाइएगा, मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए सामग्री जरूर मिलेगी। सर, एक केवल मेरा ये कहना है, बाजार का जब ग्राहक तैयार कीजिएगा, प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित रूप से बाजार मिलेगा। इसके लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार का जरूर। सरकार की ओर से क्या हो रहा है? सरकार तो कर ही रहा है, कला है उसका सरकार क्या प्रचार प्रसार कर रहा है? मैं चाह रहा हूँ कि कलाएं जो है जब जो उपभोक्ता मिलेगा, उपभोक्ता को मार्केट, सरकार उसको मार्केट देने का अगर बना रहा है, अगर उपभोक्ता नहीं है तो सरकार क्या करेगा? प्रचार प्रसार में मदद करेगा? अनिल जी, एक सवाल जहन में आता है, सरकार में है, और एक सवाल जहन में आता है कि लोग तो रोजगार के लिए पलायन कर ही रहे हैं, अब कलाकार भी पलायन कब तक करें बाहर, क्योंकि बिहार में फिल्म निगम है, उसकी स्थिति क्या है सर भी जानते हैं, कोई काम नहीं। यहाँ पे यूपी जैसे राज्य में जा कर के लोग फिल्म शूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नीति नहीं है, फिल्म कैसे शूट होगा, बाहर के लोग कैसे यहाँ शूट करने के लिए, पर्यटन कैसे बढ़ेगा, दरभंगा का पर्यटन कैसे दिखेगा, लोग यहाँ तक कैसे आएंगे? फिल्म तो एक जरिया है लोगों को दूर तक दिखाने का, दरभंगा को दिखाने का, मधुबनी को दिखाने का, तो आखिर फिल्म को लेकर के या कला संस्कृति को लेकर के क्या नीति है वो भी तो स्पष्ट होनी चाहिए ना, फिल्म निगम की क्या नीति है 15 साल। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी सरकार के अंग हैं, विधायक जी सरकार के अंग हैं, उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं लोगों को। विधायक जी देखिए, मिथिला यहाँ के कलाकार पलायन करेंगे तो ये खुशी की बात होगी, और क्षेत्र में पलायन करते तो लगता है दुख तकलीफ के लिए गए, लेकिन ये कला संस्कृति के क्षेत्र में पलायन करते हैं तो ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए मुंबई गए, इसलिए इस बात का जितना स्वागत किया जाए। लेकिन सर, अपने घर में और अधिक से सुनिए, सुन लिया जाए, मिथिला के कलाकार को इसी तरह मंच मिले और अधिक से अधिक अच्छा करके मुंबई जगह जैसे जगह पर स्थान पावे और मिथिलांचल का नाम रोशन करे, ऐसा प्रयास अगर होता है। लेकिन सर, मुंबई मिथिलांचल बने सो स्वागत नहीं कीजिएगा क्या? मिथिलांचल देखिए, अभी मुंबई मिथिलांचल में बना लीजिएगा, देश में और जगह नहीं सर, एक हम कहेंगे अगर मुंबई में हो रहा है इसका स्वागत करते हैं, मिथिला के कलाकार में दम है और यहाँ के मैथिल में दम है। अब देखे होंगे मिथिला लोक उत्सव विद्यापति पर्व समारोह दिल्ली में हो रहा है, बम्बई में हो रहा है, तो मिथिला के जो क्षेत्र के लोग हैं, कलाकार हैं,
अपना ख्याति। लेकिन सर कुछ कुछ मिथिला का कुछ काम तो सरकार का भी ना होता है कि उसको प्रमोट करे, जिसके लिए फिल्म निगम बनाए, जिसके लिए फिल्म विभिन्न क्षेत्रीय महोत्सव हो रहा है, जिसके लिए फिल्म निगम बनाए। फिल्म निगम क्या कर रही है यहाँ के लिए, यहाँ के कलाकारों के उत्थान के लिए? अगर बाहर ठीक है, यहाँ से मतलब ख्याति प्राप्त करने के लिए लोग मुंबई गए, मुंबई से वो ख्याति प्राप्त कर लिए, लेकिन वहाँ से जब उन्हें फिर वापस यहाँ अपने क्षेत्र में फिल्म बनाने के लिए आना होता है तो 100 समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिसके लिए सरकार ने फिल्म निगम बनाई है, लेकिन उसकी क्या काम है? तो कुछ नहीं। शशि जी, इस बारे में आप एक्सपर्ट हैं, इस विषय से जुड़े हुए हैं, और मेरे संज्ञान में फिल्म निगम वर्तमान में क्या कर रही है उस पर विशेष प्रकाश साफी डाल सकते हैं। अगर कोई कमी या अधिक की चर्चा करनी होगी इसके लिए अलग से करेंगे, इसमें हम आपको सहयोग करेंगे। सचिन जी, इस विषय पर आप अलग से विधायक जी से बात कर लीजिएगा, हो सकता है कई सारी योजनाएं इनके मन में भी हो, बहुत सारे आपके सलाह भी हो जो इनको सरकार के समक्ष रखने में होगा सुविधाजनक चीज होगी। तो आज आप लोगों को दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैदराबाद विधायक अमरनाथ गामी जी और मैथिली फिल्म अकेडमी के संयोजक व प्रसिद्ध रंगकर्मी शशि मोहन भारद्वाज, आप लोगों तमाम दोनों लोगों का बहुत बहुत हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।